वो चीजें जो माजी में नहीं है वो इंशाल्लाह हम लोग करेंगे। तो इसमें आप सबके अंदर सपोर्ट भी चाहिए और इंशाल्लाह जिस तरह हमारा स्टार्ट हुआ है तो मुझे लगता है कि फ्यूचर में बलूचिस्तान की असेंबली तीनों बाकी सूबों के सबसे बेहतरीन नाते से दिखाएगी और बड़ा अच्छा खवातीन के लिए बहुत अच्छा पॉजिटिव रिजल्ट लेकर आएगी। जो अगर हम हों या ना हो पाँच साल बाद मगर अपनी लोगों के लिए या मगर खवातीन के लिए इतना काम करके जाएंगे कि वो याद रखेंगे कि इस असेंबली की खवातीन ने जो है ऐसी बहुत सी पॉजिटिव काम करके गई है जो आगे काम करेंगे। और दो दफ़ा ये बिल जो है वो रिजेक्ट हुआ है। मैं इस बात पे बहुत अफसोस करती हूँ कि सिर्फ दो साल की इश्यूज़ की वजह से उसको रिजेक्ट करें कि 16 हो 18 ना हो। तो मैं इस पे ये कहती हूँ कि दो दफ़ा ये बिल रिजेक्ट हुआ है सिर्फ एक बात को लेके, तो हमें उसी बात को हल करना है और जो लोग इसको रिजेक्ट करें उनसे बात करनी है टेबल पे बैठ के कि इसको अप्रूव करवाएँ। और इसके अलावा अगर ये बिल पास नहीं होता 16 साल वही के लड़की की शादी हो अर्ली चाइल्ड मैरिज, तो इस उम्र में एक लड़की स्कूल के बजाय एक माँ बन जाती है, पूरे घर की जिम्मेदारियों से पे आ जाती हैं और उसके साथ साथ अर्ली चाइल्ड मैरिज की वजह से हज़ार बीमारियाँ भी आती हैं, बहुत सी लड़कियों की अमवात होती हैं, सालाना का शरा बढ़ रहा है। हाँ, तो ऐसी चीज़ों को भी देखें कि एक बिल पास नहीं हो रहा है वो दो साल की फ़र्क की वजह से, ये जो भी है बिल में, तो उसके ना पास होने की वजह से कितनी नुकसानात हमें हो रही हैं। वही कहते हैं कि एक जब एक मदर जब एक औरत पढ़ती है तो पूरा एक नेशन पढ़ता है। वो औरत ही नहीं होगी, वो वक्त से पहले मर जाएगी, एजुकेशन उसे नहीं मिलेगी, तो पूरे कौम को कितना बड़ा नुकसान होगा। बहुत सारे रीज़न्स हैं जो MMR रेट इस वक्त बलूचिस्तान में बहुत ज़्यादा हाई है। एक तो इस हवाले से जो चाइल्ड मैरिजेस का इशू है उसकी लेजिस्लेशन जो है वो इस वक्त वीक है, जिस पे हमारी पार्टी खुद भी उसकी बहुत इंटरेस्ट है कि वो उस पे काम करे। दूसरा ये है कि हमारे यहाँ जो सेहत की सहूलियात हैं वो बहुत ज़्यादा कम है। सिर्फ चाइल्ड मैरिजेस की वजह से जो है वो ये नहीं होता कि MMR रेट बढ़ रहा है, बल्कि सहूलियात की ना होने की वजह से एक दूर दराज के इलाके से जब खातून को हॉस्पिटल तक लाया जाता है तो वो सफ़र उसके लिए जो है वो अज़ियत है और रास्ते में बहुत सारी खवातीन और बच्चों की अमवात हो जाती हैं। इस वक्त जो है वो जाम साहब ने ख़ुद एक प्रोविज़न जो है वो रखी है फ़ीमेल डॉक्टर्स के लिए स्पेशली कि वो जो इस इलाके में रहती हैं वहीं पे उनको कॉन्ट्रैक्ट बेसिस पे जो है वो जॉब मिलेगी और बहुत अच्छे सैलरी पैकेजेस के साथ। 3 लाख से 5 लाख तक उन्होंने सैलरी पैकेजेस जो हैं वो अनाउंस किए हैं और उनका पूरा फोकस है कि बलूचिस्तान में दूर दराज के इलाकों में जितने भी हॉस्पिटल्स हैं वहाँ पर डॉक्टर्स कम अज़ कम अवेलेबल हों। तो हमारी तरफ से हमारी पूरी कोशिश चल रही है कि हम पॉलिसीज़ में चेंज लाएँ, हम करप्शन को ख़त्म कर सकें और हम एक प्रॉपर जो बेसिक फैसिलिटीज़ हैं इंसानों की वो उनको दे सकें। हमारी पार्टी की बात है तो हम जितनी भी पॉजिटिव लेजिस्लेशन है और जो आवाम के लिए फ़ायदे में है उससे हम कभी भी अपना कदम पीछे नहीं हटाएंगे और हमारे कायद जाम साहब ख़ुद भी जो हैं वो एक विजनरी इंसान हैं और वो अच्छे बुरे को समझते हैं। हम किसी लेजिस्लेशन पे पीछे नहीं हटेंगे, मगर आपको पता है कि बहुत सारे ऐसे जो हमारी अपोजिशन जमातें हैं और ऐसी जमातें जो नहीं चाहती हैं और जिन्होंने इसको नाम दिया है कि शायद इस्लाम के अगेंस्ट है, ऐसा नहीं है बिल्कुल। हाँ, इसके लिए इस बात की ज़रूरत ज़रूर है कि हम उनके साथ कंसल्टेशन करें, उल्मा हज़रात उनके साथ बैठें, उनके साथ डिस्कशन की जाए, इस चीज़ को क्लियर किया जाए कि आज के दौर में जो है वो बहुत ज़्यादा कॉम्प्लिकेशंस, बेहतर ख़ुराक का ना होना, अपॉर्चुनिटीज़ का ना होना, हेल्थ की फैसिलिटीज़ का ना होना, इस वजह से अगर फिर कम उम्र भी बीच में शामिल हो जाए तो ये ज़्यादा नुकसानदेह साबित होती है। उसमें हमें उल्मा को भी जो है वो डालना पड़ेगा उन कंसल्टेशंस में, हमें उसमें जो है वो जो गायनी स्पेशलिस्ट हैं उनको भी डालना पड़ेगा और हमें एक बड़ी क्लियर पिक्चर उनके सामने रखनी पड़ेगी कि हमारी आने वाली बच्चियों को अगर हम सेव करना चाहते हैं तो उस पर हमें काम करना होगा।